Hello students. Today we are going to start with criminal law, which is also termed as penal law. It is the most important topic in CLAT exam because on average 10 to 12 questions are asked from this topic. तो ये तो आपको आना ही चाहिए. So let's get started with criminal law. Now, what is a crime? Crime is just an act punishable by law as forbidden by statute or injurious to public welfare. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, क्राइम कोई भी एक ऐसा एक्ट है, ऐसा एक एक्शन है जो कोई परफॉर्म करता है, विच इज पनिशेबल बाय लॉ. लॉ में जो हमारा लेजिस्लेचर है वो कहता है अगर आप ऐसा एक्शन परफॉर्म करोगे वो पनिशेबल होगा, आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी. एज फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब कि आपको बोला गया है कि ये काम नहीं करना, ठीक है. यू डोंट हैव टू स्मोक इन पब्लिक, तो ये लॉ है और अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आपको एक पनिशमेंट मिलेगी. और इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर, या तो लॉ में लिखा है, ठीक है, कि इस चीज को नहीं करना है, या वो एक एक्शन करने से क्या हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर को क्या हो रहा है, कोई डैमेज पहुंच रहा है, ठीक है. तो ये क्या होता है, क्राइम. अब एक क्राइम करने से इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. सिर्फ उससे इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं होता है, बट अ सोसाइटी ऑन अ होल इज अफेक्टेड. ऑन अ होल एक सोसाइटी पे क्या होता है, फर्क आता है, उन पे इम्पैक्ट आता है. जैसे कि लेट से हमारी जो लोकैलिटी है वहां पर कोई भी थेफ्ट का केस है, ठीक है, एक घर में, ठीक है, एक घर में क्या हुआ, चोरी हुई, ठीक है, जैसे गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड की चोरी हुई. इसकी वजह से ये हुआ एक घर में था, बट इसकी वजह से जो हमारे लोकैलिटी में और बहुत सारे जो घर थे उनके लोग सारे डर गए, तो पूरी सोसाइटी ऑन अ होल गेट्स अफेक्टेड. ऑलराइट, नाउ यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन मॉरली रॉन्ग वर्सेस लीगली रॉन्ग. इसमें क्या मतलब है, यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बोला जाता है कि कभी भी आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गुरुद्वारा है, मॉस्क है, ठीक है, आप यहाँ पर स्लिपर्स शूज डालकर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्लिपर्स फुटवेयर डालकर आप एंटर नहीं कर सकते. बट अगर आप कहीं पे भी मंदिर गुरुद्वारा कहीं पे भी आप अपने फुटवेयर डालकर चले जाते हो, तो क्या आप पे कोई केस हो सकता है, क्या उसको क्राइम बोला जाएगा? What do you guys think? Just let me know. क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी अभी तक हमारे लॉ में नहीं लिखा गया है. ऐसा सिर्फ बोला जाता है, ऐसा सिर्फ मॉरली राइट है कि आपको फुटवेयर डालकर नहीं जाने हैं, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी लॉ में नहीं लिखा है. जब ये लॉ में लिखा जाएगा, जिस दिन भी ये लॉ में लिखा जाएगा, आप तब अगर डाल जाते हो फुटवेयर्स कहीं पर भी ऐसे रिलीजियस प्लेस पर, तो आप पे क्या हो सकता है, तो आप पर केस हो सकता है, तो उसको क्राइम बोला जाएगा. ऑलराइट, ये समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन मॉरली रॉन्ग वर्सेस लीगली रॉन्ग. मॉरली रॉन्ग है ये चीज, पर आप पे कोई भी केस नहीं कर सकता, यू आर नॉट लाइबल फॉर दिस, ठीक है. नाउ What is criminal law? Criminal law क्या होता है? Criminal law is the body of law that relates to the crime. जहां पर भी, ठीक है, आपके जितने भी हमारे क्राइम्स हैं, आपको हर सबको आपको सबको पता है हमारे बहुत तरीके के क्राइम्स होते हैं, ठीक है, वो थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मर्डर हो गया, ठीक है, a lot of examples. तो ये हमारे क्राइम्स होते हैं, और जो इन सबसे जो हमारे इन सारे क्राइम्स से डील करती है वो क्रिमिनल लॉ करते हैं,
And crimes are generally referred to as offenses against the state. Against the state हमने बात करी कि not just individuals, it is against the society. On a whole, हमारी society पे impact आता है. तो वो offenses हैं, ठीक है? The acts which are punishable against the society, जहां पे society को क्या हो रहा है? It is forming any harm, it is causing any harm. All right. I hope आप सबको ये समझ में आ गया है क्राइम क्या होता है. ठीक है, ठीक है. क्राइम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं, सोसाइटी के अगेंस्ट होता है. मॉरली रॉन्ग और लीगली रॉन्ग के बीच में डिफरेंस पता लग गया है आपको, और आपको ये भी पता लग गया कि क्रिमिनल लॉ क्या है. ठीक है, अब हमारा एक बेस बन गया है, हमें समझ में आ गया है. सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ लॉज. हर एक कंट्री में दो तरीके के लॉज होते हैं. एक होता है सब्सटैंशियल लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ. सो सब्सटैंशियल लॉ में क्या आता है? सब्सटैंशियल लॉ में हमारे जितने भी ऑफेंसेस हैं, दे आर डिफाइंड इन सब्सटैंशियल लॉ. ऑफेंसेस क्या होते हैं? कोई भी एक्शंस, दैट एक्शंस विच आर punishable, जिनकी पनिशमेंट मिलती है वो ऑफेंसेस. ठीक है, ये सारा डिफाइंड है सब्सटैंशियल लॉ में. सब्सटैंशियल लॉ में डिफाइंड है ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, विद देयर पनिशमेंट, ये सारे डिफाइंड है हमारे सब्सटैंशियल लॉ में. ठीक है, समझ में आया. सेकेंड है प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ क्या है? अब हमारा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आप कोर्ट में जाते हो. ठीक है, आप कहीं पे भी कोर्ट में जाते हो, क्या आप कोर्ट में जाकर सीधा जज के पास चले जाते हो? आप सीधा जज के पास चले जाते हो कि मेरा ये केस है, इसने ये क्राइम किया है, ये एक्यूज्ड है, ये लाइबल है, अब अपना फैसला सुना दो. क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा. आप क्या फॉलो करते हो? एक प्रोसीजर फॉलो करते हो. एक प्रोसीजर फॉलो होता है, आप एक लॉयर हायर करते हो, लॉयर जाता है कोर्ट में, जाता है, डेट मिलती है, वहां पे जज होता है, आप सारे प्रेजेंट होते हो. ठीक है, एक्यूज्ड होता है और सारे जो लोग हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जज होता है, हमारे एडवोकेट्स होते हैं, सब होते हैं. ठीक है, लॉयर्स होते हैं. सो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. ठीक है, तो क्या होता है, अब उसे ये सारा जो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ये हमारा किस में आता है? प्रोसीजरल लॉ में. तो हर एक कंट्री में टू टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं. पहला सब्सटैंशियल लॉ, ठीक है, जहां पर आपके सारे ऑफेंसेस और उनके साथ उनकी पनिशमेंट डिफाइंड होती है. ठीक है, दूसरा है प्रोसीजरल लॉ, कि जब आपको कोई भी कोर्ट में जाना है, जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है, वो आपका किस में आता है? प्रोसीजरल लॉ में. समझ आया? ठीक है, ये है टू टाइप्स ऑफ लॉज. अब हमें पता है क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या है, और हर एक कंट्री में दो टाइप्स ऑफ लॉज है. नाउ द मेन थिंग इज कि इंडिया में जितने भी क्राइम्स हैं, ठीक है, और उनके साथ जो उनकी पनिशमेंट्स हैं, दे ऑल आर डिफाइंड इन आईपीसी, विच स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड. इंडिया के जितने भी क्राइम्स हैं, ठीक है, सब्सटैंशियल लॉ की अगर हम बात करें, सब्सटैंशियल लॉ में क्या होता है, सारे ऑफेंसेस विद देयर पनिशमेंट्स होती. तो इंडिया में जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी क्राइम्स हैं और उनकी पनिशमेंट्स हैं, वो किस में डिफाइंड है? आईपीसी में, दैट इज इंडियन पीनल कोड. ऑलराइट, तो बेसिकली अब हमें ये समझ में आ गया कि क्रिमिनल लॉ को पीनल क्राइम, पीनल लॉ क्यों बोला जाता है, और जितने भी हमारे ऑफेंसेस हैं विद देयर पनिशमेंट्स आर डिफाइंड इन आईपीसी. ठीक है, तो अब क्रिमिनल लॉ में हमें पता लग गया कि हम किसके बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, हम आईपीसी के बेसिस पे
पढ़ने वाले हैं, तो विदाउट एनी डिले ठीक है हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड के बारे में। पर उससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ में, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है, कि एक सिविल लॉ में और एक क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है, फिर हम पढ़ेंगे हमारे आईपीसी के बारे में ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि डिफरेंस होता क्या है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में। अब सिविल लॉ के अंदर हमारे सारे सिविल रॉन्ग्स आते हैं ठीक है, जो भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं, और क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे सारे क्रिमिनल रॉन्ग्स आते हैं ठीक है। सो इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, सिविल रॉन्ग में आता है टू इन्फोर्स राइट्स ठीक है। अब हमने बहुत सारे राइट्स पढ़े हैं बचपन में ठीक है, वन ऑफ देम जो हमें मेरे ख्याल से सबको याद होगा दैट इज कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं कि उनको पता होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, व्हाट ऑल, ये सारे कंज्यूमर राइट्स होते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा गलत करता है, कोई आपको नहीं बताता कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये इंग्रेडिएंट भी है, तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ सिविल रॉन्ग हो रहा है। सो सिविल लॉज किस चीज के लिए होते हैं, टू इन्फोर्स राइट्स ठीक है, कि आपको वो पूरा राइट है, आपको वो राइट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई इंग्रेडिएंट छुपाया जाए जो आपका राइट है वो आपको मिले, तो ये है टू इन्फोर्स राइट्स। टू पनिश रॉन्ग डूइंग्स ठीक है, अब ठीक है कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी लेट्स से चोर है ठीक है, जिसने आपके घर आके चोरी करी है, तो उसको पनिश करना, कोई भी थेफ्ट है ठीक है उसको क्या करना, पनिश करना, ये आता है क्रिमिनल रॉन्ग में। सिविल रॉन्ग क्या है, रेमिडियल है ठीक है, आप उसे कंपनसेशन पे करते हो और ये आपका क्या है, रेमिडियल है, इसकी रेमिडी है हमारे पास। और क्रिमिनल रॉन्ग में आता है पीनल, पीनल व्हाट इज दैट, पनिशमेंट मिलती है आपको उसकी, आपको आप कुछ भी गलत करते हो, आप कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग करते हो उसकी आपको पनिशमेंट मिलती है। नाउ ये तो हम अभी पढ़ के हटे हैं कि क्रिमिनल रॉन्ग में स्टेट इज अ पार्टी, व्हाट डज दिस मीन, दैट द सोसाइटी ऑन अ होल इज अ पार्टी, वो सारे अफेक्ट होते हैं। पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स अफेक्ट होते हैं सिविल रॉन्ग में, दैट इज लेट्स अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, लेट्स से मैन वन एंड मैन टू, ये तो इन्वॉल्व होते हैं और ये आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है। तो अब ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच की बात है ये ठीक है, इससे किसी थर्ड पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर यहां पर अगर कोई भी एक इंडिविजुअल के साथ रॉन्ग होता है तो पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ता है, या एक साथ पूरी सोसाइटी के साथ गलत होता है ठीक है। तो यह है सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग के बीच में कि कौन कौन अफेक्ट हो रहा है। फोर्थ इज डिटरमाइंस द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। अब जो हमारा सिविल रॉन्ग है ना, ये डिटरमाइन करता है राइट्स और लाइबिलिटी। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, एम वन ने बोला कि मैं आपको एक कार सेल करूंगा ठीक है, मैं एक कार सेल करूंगा ठीक है, और मैन टू ने बोला मैं आपको इन रिटर्न लेट्स से रुपीज 50,000 दूंगा। अब इनके बीच की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी इनकी चीजें हैं, वो इन दोनों के बीच की हैं, ये दोनों खुद डिटरमाइन करेंगे, मैन वन एंड मैन टू ये खुद डिटरमाइन करेंगे कि इनके और कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या बीच की चीजें हैं। बट व्हाट हैपेंस इन क्रिमिनल लॉ, टू डिटरमाइन वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट, यहां पर हम बात करते हैं जज की। हमने बात की थी कोर्ट में जाओगे तो जज डिसाइड करेगा कि जो पर्सन है वो लायबल है या नहीं है, एक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है, कि उसने वो चीज गलत करी है या नहीं, वो क्राइम गलत किया है या नहीं, कि कौन डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेगा, यहाँ पे द पर्सन देमसेल्व्स डिसाइड दैट ठीक है। नाउ कोई भी अगर रॉन्ग करता है ठीक है, तो उसे क्या पनिशमेंट्स होती हैं, डैमेजेस
इंजंक्शंस या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। डैमेजेस, इंजंक्शंस, व्हाट इज इंजंक्शंस? दैट इज बेसिकली यू कैन से वार्निंग्स, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में आ जाती है, आपको फाइन देना पड़ सकता है या इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है या डेथ पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में ये कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा सिविल लॉ है और कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग है, कौन सा सिविल रॉन्ग है, कौन सा क्रिमिनल रॉन्ग है, ठीक है। सो नाउ विद टुडेज मेन टॉपिक और क्रिमिनल लॉ का मेन टॉपिक, दैट इज इंडियन पीनल कोड IPC। सो द इंडियन पीनल कोड इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमारे क्राइम्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे क्रिमिनल लॉ के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इंडियन पीनल कोड, दैट इज IPC यूज किया जाता है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। सारा कुछ कवर करता है, क्या क्या कवर करता है, ऑफेंसेस जितने भी हैं प्लस देयर पनिशमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द कोड वॉज ड्राफ्टेड इन 1860। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टेड इन 1860 एंड बाई होम इट वॉज ड्राफ्टेड, ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1830 अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बिबिंगटन मैक्यूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि किसने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। इट केम इन टू फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1862। इट वॉज इनएक्टेड इन 1973 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। ये भी पता होना चाहिए कब, 1 अप्रैल 1974 में फोर्स में आ गया था, ठीक है। तो ये है हमारा इंडियन पीनल कोड, दैट इज IPC के बारे में पता होना चाहिए। IPC क्या है, कब ड्राफ्ट हुआ था, किसने ड्राफ्ट किया था, कब इनएक्ट हुआ और कब इनटू फोर्स आया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू, अब हमने पढ़ा था हर एक कंट्री के दो लॉज होते हैं, एक है सब्सटेंशियल लॉ, एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ हमने पढ़ लिया कि IPC है। अब प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑल्सो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर is the main legislation on the procedure for the administration of substantive criminal law in India. जो हमने procedural law की बात करी थी, जो सारा procedure आता है वो हमारा कौन सा law है, code of criminal procedure, CRPC, code of criminal procedure. तो एक है IPC की बात करी हमने, ठीक है, और एक है code of criminal procedure. ये भी हमें पता लग गया कि इंडिया के दोनों लॉज कौन से हैं, सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजरल लॉ। हम बेसिकली बात कर रहे हैं सब्सटेंशियल लॉ, दैट इज IPC की, पर हमें पता है कि जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है वो कौन सा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आया सबको समझ? मूव ऑन करें, अब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक IPC का, दैट इज टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ IPC। ये बेसिकली क्या है कि जो हमारा IPC है, इंडियन पीनल कोड, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। ये पढ़ते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। सो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, कोई भी आपका क्राइम हो रहा है विद इन इंडिया, व्हाट डज दिस मीन, ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, कोई भी क्राइम ऑन द लैंड ऑफ इंडिया, ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, एनी पर्सन लाइबल बाई एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. अब इसका मतलब क्या है? अगर एक student है, वो India में है, ठीक है, please ये abbreviations का ध्यान रखना,
ठीक है, ध्यान रखो मैं क्या बोल रही हूँ और उसके हिसाब से मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक स्टूडेंट है, इंडिया में ही है, ठीक है, और एक लेट्स से चाइल्ड का मर्डर कर देता है, एक चाइल्ड का मर्डर कर दिया इंडिया में ही, तो क्या इस पे आईपीसी अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इंडिया के लैंड पे हो रहा है, ठीक है। अब इंडिया के लैंड पे हो रहा है और जो ये स्टूडेंट है ये भी इंडियन है, इंडिया की लैंड पे हो रहा है, और ये चाइल्ड है ये भी इंडियन है। अब एक स्टूडेंट है, वो कहां पर है? वो यूएसए में है, ठीक है, और वो एक वहां के चाइल्ड को उसका मर्डर कर देता है। स्टूडेंट जो है वो क्या है? इंडियन है कहां पे? यूएसए में। चाइल्ड कहां का है? यूएसए का ही है, ठीक है, ये है भी यूएसए, चाइल्ड भी यूएसए का है, बस स्टूडेंट इंडियन है। क्या इस पे आईपीसी अप्लाई होता है? द क्वेश्चन इज, क्या इस पे आईपीसी अप्लाई होगा? टेल मी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसकी नेशनैलिटी क्या है? स्टूडेंट इंडियन है, नेशनैलिटी इंडियन है, तो इस पे भी आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है, आईपीसी अप्लाई होगा। चाहे वो किसी और स्टेट में है, चाहे वो किसी और कंट्री में है, वो कहीं पे भी है, पर उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, तो वो लायबल होगा। क्लियर? सेक्शन 2 इम्पोजेस क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 2 मेक्स एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी और एलिजेंस और हिज रैंक स्टेटस कास्ट कलर क्रीड लायबल टू पनिशमेंट अंडर द कोड ऑफ फॉरन ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। यूएसए का पर्सन इंडिया में आता है, इंडिया के स्टूडेंट का मर्डर कर देता है, ठीक है, क्या वो लायबल है? बिल्कुल है। चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनैलिटी, चाहे वो यूएसए का है, उसकी नेशनैलिटी यूएसए की है, पर क्राइम कहां हो रहा है? इंडियन लैंड पे हो रहा है। कहां हो रहा है? इंडियन लैंड पे हो रहा है, तो आईपीसी उस पे भी एप्लीकेबल है, आईपीसी उस पे भी लायबल है, ही कैन बी ट्राइड फॉर इट, ठीक है। सो यू कैन से कि कोई भी इंडियन हो, ठीक है, चाहे वो विद इन कंट्री है, चाहे वो आउटसाइड कंट्री है, नेशनैलिटी उसकी इंडियन है, तो उस पे क्या अप्लाई होगा? उस पे आईपीसी अप्लाई होगा, ठीक है। इंडिया में, इंडिया की लैंड पे कोई भी है, यूएसए से है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कहीं से भी है, पर वो इंडिया की लैंड पे है और यहां पे कोई क्राइम कर रहा है, क्या उस पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। सो दिस इज द क्रक्स, टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ आईपीसी। चाहे इंडिया की लैंड पे हो रहा है, ठीक है, तो आईपीसी लगेगा, इंडियन है, नेशनैलिटी इंडियन है, तो भी उस पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा, ठीक है, समझ में आया? मूव ऑन करें आगे। क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ठीक है। अब अगर हम समरी की बात करें तो द प्रोविजंस ऑफ द कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। हमने बात कर ली, अगर उसकी सिटीजनशिप नेशनैलिटी इंडियन है तो उस पर आईपीसी अप्लाई होगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब बात यहाँ पे ये है कि कोई भी शिप है, ठीक है, या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया का रजिस्टर्ड है, अब कहीं ना कहीं का तो रजिस्टर्ड होगा ना, कोई भी प्लेन है, कोई भी शिप है, कहीं ना कहीं की तो होगी वो। अगर वो इंडिया की है, ठीक है, पर वो कहां पर है? वो यूएसए में है, रजिस्टर्ड इंडिया में है,
है यूएसए में, क्या उस पर आईपीसी अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, यूएसए में है या यूएसए के लोग हैं पर वो रजिस्टर्ड इंडिया में है, वहां पर कोई भी क्राइम हो रहा है, उस पे आईपीसी अप्लाई होगा। समझ में आया? ठीक है। थर्ड इज एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यूएसए ले रहे हैं तो यूएसए ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हम उसको एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल में उसकी बात करते हैं। ठीक है, यूएसए है, इंडिया है, यूएसए है, इंडिया है, क्या कह रहे हैं ये? एनी पर्सन इन एनी प्लेस, यूएसए में एक पर्सन है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये पर्सन कॉल कर रहा है इंडिया में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आपकी ये नेट बैंकिंग है, ठीक है, आपको ओटीपी आया है, ऐसे ऐसे लॉग इन करो, ऐसे ऐसे करो। अब यहां पे जितने भी बैंक में पैसे थे सारे उड़ गए। ठीक है, क्या हो गया? क्राइम हो गया यहाँ पर, कि मेरे से ऐसे मांग कर कुछ कुछ मेरे कंप्यूटर को हैक कर लिया, मेरा ओटीपी ले लिया। ठीक है, मेरे को ये बोला ये लॉग इन करो, मैंने ये लॉग इन किया, मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया और मेरे सारे पैसे निकाल लिए मेरे बैंक अकाउंट से। ये कंप्यूटर कहाँ पे है? इंडिया में है। क्या इस पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। यही यहाँ पर बोल रहे हैं, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है, कोई भी बाहर का बंदा कुछ भी कर रहा है वो लाइबल होगा। सेकंड में ये पढ़ा, कोई भी शिप है, कोई भी एयरक्राफ्ट है पर वो रजिस्टर्ड इंडिया के नाम पे है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके अंदर लोग बैठे हैं यूएसए के, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया तो क्या उन पे आईपीसी एप्लीकेबल होगा? होगा। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, कहीं पे भी है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक है, उस पे आईपीसी अप्लाई होगा क्योंकि उसके नेशनैलिटी, उसकी सिटीजनशिप इंडिया की है। सो आई होप ये थ्री चीजें जो प्रोविजंस हैं कोर्ट की, ये आपको समझ में आ गई। कोई भी केस स्टडी आती है, कोई भी पैसेज आता है, आपको पता होगा अगर वो इंडिया का सिटीजन है, या वो शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, या वो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में लोकेटेड है, तो उस पे आईपीसी एप्लीकेबल है। हमें ये समझ में आ गया कि कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ द कोड। अब हमने पहले पढ़ा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की आईपीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फिर हमने देखा कि उसकी एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है, वही हमने तीन चीजों स्टेप्स में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उसके एक्सेप्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये कोड अप्लाई नहीं होता। सो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता? हाउ एवर द हेड्स ऑफ सोवरेन स्टेट्स, उनके हेड्स, देयर रिप्रेजेंटेटिव सच एज एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमेटिक एजेंट्स या यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, इम्यूनिटी। ठीक है, उनके पास वो ताकत है, वो शक्ति है, ठीक है, कि वो क्या हो सकता है कि उनको एक्सेप्शन मिल गई है इस कोर्ट से, वो अगर किसी भी चीज में कोई भी क्राइम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा आईपीसी के अंदर लाइबल नहीं है। और कौन कौन नहीं है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट एक्सेट्रा आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 2 टू आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये लोग भी नहीं है एप्लीकेबल आईपीसी पे, ये इनकी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया आपकी एक्सेप्शन कौन कौन, इनको कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, किन किन के पास इम्यूनिटी है अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऑलराइट, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं और उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नाउ वेयर ए एन इंडियन विद अ वाइफ मैरिज एन अमेरिकन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ए है, वो एक तो वो इंडियन है, नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है, विद अ वाइफ, ऑलरेडी उसकी वाइफ है, मैरिज एन एक अमेरिकन,
इन यूनाइटेड स्टेट्स. क्राइम कहाँ हो रहा है? यूएस में. ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी 1860 ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया. इसका मैं बाइगमी क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है, कि ऑलरेडी यू हैव अ वाइफ एंड यू आर मैरिंग अनदर वुमन, ठीक है, दूसरी शादी कर रहे हो, जबकि योर फर्स्ट वाइफ इज प्रेजेंट और इज अलाइव, ठीक है, वो सब कुछ है, एंड फिर भी आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो, दैट इज बाइगमी. अब हमें पता है ए क्या है, इंडियन है, ठीक है, नेशनैलिटी उसकी इंडियन है, पर क्राइम यूएस में हो रहा है. क्या वो लाइबल है? इज ही लाइबल? यस ही इज लाइबल, बिकॉज उसकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन. तो अब उस वो लाइबल है ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया में आता है तो उस पे केस किया जा सकता है, ही इज लाइबल, ठीक है. इफ अ पर्सन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज अ सिटीजनशिप आफ्टर द कमीशन of the offense cannot confer any jurisdiction on Indian courts retrospectively. इसका मतलब क्या है कि if a person is not an Indian citizen at the time of the offense, अगर वो यहां पर, ठीक है, ऐसा अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले, एक इंडिया है, ठीक है, कैनेडा गया, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कैनेडा गया, उसको कैनेडा की पीआर मिल गई वहां पर, अब वो कहाँ का सिटीजन हो गया, कहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है उसको, कनाडा की, कनाडा का सिटीजन बन गया अब वो, ठीक है. क्या अब वो पर्सन लाइबल है इफ अ पर्सन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस? अब क्या जब वो वापस आएगा कनाडा से इंडिया, क्या वो लाइबल है? नहीं है, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप क्या है? कनाडा की है, बाहर का है, तो उस पर अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. इफ अ फॉरेनर आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम आउटसाइड इंडिया स्टेप्स इनटू इंडिया, he may be sent back to the country where the offense was committed for trial on the proper requisition of by that country. The requisition proceedings are termed as extradition proceedings and are governed by the Indian Extradition Act 1962. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब वो आया, ठीक है, इफ अ फॉरनर आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम आउटसाइड इंडिया, बाहर का ही है, ठीक है, फॉरनर बाहर का ही है, और फिर वो आता है इंडिया, ठीक है, तो उसको वापस भेज दिया जाएगा. क्यों भेज दिया जाएगा? और उस कंट्री में ही उसने जहां पे ऑफेंस किया है कि उसका ट्रायल, उसका प्रॉपर रिक्विजिशन उधर ही होगा, ठीक है, क्राइम उधर किया है, उधर के ही सिटीजन हो तो उधर ही आपकी प्रोसीडिंग्स वही होंगी, यहाँ नहीं होंगी. तो उसको कहां भेज दिया जाएगा? वापस उसकी अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया. सो यहां तक हमने पढ़ लिया अब कि हमारा आईपीसी क्या है. एक फटाफट से क्विक रिवीजन हमने क्या कर लिया अभी तक, हमने किया क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या है, हमने पढ़ा टू टाइप्स के लॉज होते हैं, सब्सटेंशियल लॉ, प्रोसीजरल लॉ, इंडिया का आईपीसी है, प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी है, पढ़ लिया. फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस क्या है. अब अगर मैं किसी से भी पूछूंगी तो किसी, हर किसी को पता होगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है. हमने इंडियन पीनल कोड के बारे में पढ़ा, कब हुआ था, किसने ड्राफ्ट किया था, कब ड्राफ्ट किया था, कब इनएक्ट हुआ, कब फोर्स में आया, ये हमें सबको पता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, टेरिटोरियल एप्लीकेशन पढ़ी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है आईपीसी, ये भी हमें याद हो गया है. अब हमने ये देखा कहाँ इसकी एक्सटेंशन है, तीन जगह, ये भी याद है, पता है हमें. एक्सेप्शन ऑफ द कोड कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, किन किन के पास इम्यूनिटी है, शक्ति है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया. एग्जाम्पल सिचुएशन हमने पढ़ ली, क्या है, कैसे है, इसके आगे वाली चीजें भी हमने देख ली है, सिटीजन है नहीं है, उसको वापस भेज दिया जाएगा, यहाँ रहेगा, ये सब हमने समझ लिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डबल जियोपार्डी डॉक्ट्राइन. क्या आपने कभी इसके सुना है इसके बारे में, डबल जियोपार्डी डॉक्ट्राइन सुना है? क्या होता है ये? अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी एनश्राइंड इन आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 301 ऑफ सीआरपीसी 1973, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. दो बार
आपको सेम चीज के लिए एक एक्ट के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, नो पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैंने एक मर्डर किया, लेट्स से एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, मैंने एक मर्डर कर दिया, उसके बाद मुझे 2 इयर्स की जेल हो गई, मुझे 2 इयर्स की जेल हो गई, ठीक है। अब क्या मैं एक मर्डर किया, 2 इयर्स की जेल हुई, मैं वापस आ गया, आई एम बैक होम। अब कोई बंदा आता है मेरी फिर से कंप्लेन कर देता है कि इसने मर्डर किया था, क्या मुझे दोबारा 2 साल की 2 इयर्स की जेल होगी? एक बार जो पेनल्टी है, ठीक है, वो ये थी, अगर आप मर्डर करोगे, मेरे कंट्री में ऐसा होता है, अगर कोई मर्डर करेगा उसको 2 साल की जेल होगी। मैंने मर्डर किया, मुझे 2 साल की जेल हो गई, मैं वापस घर आई, ठीक है, किसी ने फिर कंप्लेन कर दी, किसी ने फिर मेरे ऊपर केस कर दिया, और क्या दोबारा से मेरे ऊपर 2 साल की जेल हो सकती है? क्या मैं फिर से 2 साल की जेल के लिए जाऊंगी? नो, यही है डबल जियोपार्डी। क्या है कि एक ही एक्ट के लिए, सेम एक्ट के लिए मुझे 2 बार जेल नहीं हो सकती। अब एक और केस लेते हैं, एग्जाम्पल है मैंने एक क्राइम किया, मैं 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए जेल गई, मैं वापस घर आ गई, आई एम बैक होम, ठीक है। मैंने सोचा यार लाइफ में मजा नहीं आ रहा है यार, कुछ तो करते हैं लाइफ में, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या करें, बहुत बोरिंग लाइफ है, क्या करेंगे, एक और क्राइम कर देंगे। दोबारा क्राइम कर दिया, ठीक है, क्या मुझे 3 साल की जेल होगी? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यहां पे ये क्राइम अलग था, एक और क्राइम किया जा रहा है, तब मुझे दोबारा जेल होगी, ठीक है, तब मुझे दोबारा जेल होगी। समझ में आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो केसेस समझ में आ गए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इस लाइन को यहां से इरेज करते हैं ताकि मुझे एक और एग्जाम्पल लिखने की स्पेस मिल जाए। ये यहां खत्म हो गया, ठीक है, यहां पे हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने एक ऑफेंस किया, ठीक है, मैंने कोई भी क्राइम कर दिया, ठीक है, कुछ भी क्राइम होगा मैंने वो क्राइम कर दिया, मैं 4 इयर्स के लिए जेल गई, मैं वापस आ गई घर, ठीक है, मेरे पे केस हुआ था क्राइम करने का, मैं वापस आ गई। अब मेरे ऊपर, ठीक है, क्राइम हो गया ट्रस्ट एंड सॉरी क्राइम नहीं, मेरे ऊपर एक केस हुआ था क्राइम का, अब मेरे ऊपर के मैं घर आ गई हूं, ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ, आई एम लिविंग माई नॉर्मल लाइफ। अब मेरे ऊपर एक केस कोई आता है, मेरे ऊपर केस कर दे कोई, मतलब जिसके साथ मैंने क्राइम किया था ना, उसका ही कोई रिलेटिव है, उसका ही कोई रिलेटिव है, वो मेरे ऊपर केस करता है, किस चीज का, लेट से केस कर दिया उसने मेरे ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी का, ठीक है, मेरे ऊपर इसका केस कर दिया। अब इसकी सजा होती है मेरी कंट्री में, इसकी सजा 2 साल की है, 2 इयर्स की है, क्या अब मैं जाऊंगी जेल? क्या अब मुझे इम्प्रिजनमेंट होगी या नहीं होगी? एक मैंने आपको केस बता दिया, मैंने मर्डर किया, घर आई, मेरे पे दोबारा किसी ने मर्डर का ही केस कर दिया, मैं जेल जाऊंगी नहीं जाऊंगी? मैं घर आई, मैंने एक क्राइम किया, सॉरी मैंने एक क्राइम किया, मैं घर आई, मैंने एक और क्राइम कर दिया, मुझे जेल होगी? बिल्कुल होगी, ये क्राइम अलग था, ये क्राइम अलग है, यहाँ पे क्राइम एक ही है, पर पहले मुझे किसी और रीजन की वजह से इम्प्रिजनमेंट हुई थी, किसी और रीजन की वजह से नहीं, मतलब यू कैन से कि किसी और
जैसे कहते किसी और बेसिस पे मुझे जेल की गई थी, अब मेरे ऊपर केस ट्रस्ट और डिसऑनेस्टी हो गया। पहले मेरे ऊपर केस हुआ था मर्डर का, पहले मेरे ऊपर केस हुआ था मर्डर का, उसी केस के रिलेटेड, उसी क्राइम के रिलेटेड पहले ऊपर मेरे ऊपर मर्डर का हुआ था, फिर मेरे पे उसी केस के रिगार्डिंग मेरे ऊपर केस हो गया, उसी एक्शन के रिगार्डिंग मेरे ऊपर केस हो गया ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी का। क्या मेरे ऊपर होगी इम्प्रिजनमेंट, होगी जेल, होगी? व्हाट इज द आंसर? यस, मेरे ऊपर क्या होगा? आई एम ट्राइड अंडर सेक्शंस, आई एम लाइबल, मेरे ऊपर केस होगा, मेरे ऊपर केस होगा, क्योंकि यहां पर जो केस है दैट इज फॉर ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी का केस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्टी। यहां पर मर्डर का केस था, चाहे केस सेम ही था, ठीक है, तो मेरे ऊपर इम्प्रिजनमेंट, मेरे पर केस, मेरे को जेल हो सकती। सो दिस इज डबल जियोपार्डी डॉक्ट्राइन। आई होप ये तीन एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। क्राइम करने के चार स्टेजेस होते हैं। जब भी कोई क्राइम प्लान करता है उसके चार स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सो देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर क्राइम गिवन इन आईपीसी। आईपीसी में ही गिवन है ये भी आईपीसी में ही गिवन है। क्या होती हैं चार स्टेजेस? पहला है इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन, आपकी इंटेंशन होना, फिर आप प्रिपेयर करोगे, प्रेपरेशन, आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, यूल को आप अटेम्प्ट करोगे क्राइम करने, एंड फाइनली आपकी एकम्प्लिशमेंट हुई, ठीक है। ये क्या है हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम? इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट एंड एकम्प्लिशमेंट। नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज फोर इन डिटेल। इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। सो द फर्स्ट इज इंटेंशन। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो इंटेंशन बेसिकली क्या होता है? हमें सबको पता है इंटेंशन क्या है, बेसिकली मेरा एक आइडिया है, राइट? इंटेंशन क्या है? एक आइडिया है। हम एक टिपिकल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको हम इन फोर स्टेजेस में पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मर्डर का ले लेते हैं, ठीक है, मर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं हूं, ठीक है, मैं ए हूं, ठीक है, और मुझे बी का मर्डर करना है, डेड करना है हमने बी को, बी का मर्डर करना है, ठीक है। नाउ मेरी इंटेंशन क्या है? मेरे पास आइडिया क्या है? मेरा आइडिया है कि यार बी ना मुझे बहुत तंग करता है, 24x7 मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मुझे इसको खत्म करना है, मुझे इसका मर्डर करना है, ठीक है। जब मैं इसका मर्डर कर दूंगी मुझे सेटिस्फैक्शन, मुझे सुकून मिल जाएगी, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी, तो मैं इसका मर्डर करूंगी। मेरे पास क्या आइडिया आया? बहुत तंग करता है, मर्डर करते हैं। सो इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नोन एज दी मेंटल स्टेज। मेंटल स्टेज का क्या मतलब है? जब हम यू नो दैट आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल स्टेज, व्हाट इज दैट? बेसिकली योर थॉट्स, योर आइडियाज, ठीक है। तो मेरा एक आइडिया आया, ठीक है, कि मुझे मर्डर करना है। इंटेंशन इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट चूजन अपॉन कंसिडरिंग द मोटिव विच सजेस्ट दी चॉइस। क्या है? डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट है कि अब मुझे ये करना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्ट टूवर्ड द ऑब्जेक्ट बी की तरफ चूजन अपॉन कंसिडरिंग द मोटिव। मेरा मोटिव क्या है? मुझे उसका मर्डर करना है। क्यों करना है? मुझे बहुत परेशान करता है। बट द लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ एन इंटेंशन। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहां तक हमारी बात हो गई इंटेंशन क्या है, ठीक है, इंटेंशन है मर्डर करना है। मैंने ये बात बताई है सी को, सी मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बता दिया कि यार मैं तो बी का मर्डर करने वाली हूं,
बी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, बहुत तंग करती है, अब मुझे बी का ना मर्डर करना है। ठीक है, सी को मैंने ये बात बता दी। सी ने आगे जाके क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ए जो है ना वो बी का मर्डर करने वाली है। क्या अब मुझे पुलिस जो है मेरे ऊपर, मतलब मुझे मेरे ऊपर लेट्स से इम्प्रिजनमेंट या मेरे को जेल में डाल सकती है, या मेरे ऊपर बी केस कर सकता है मर्डर का, मर्डर का केस हो सकता है मेरे पे? क्या मैं लायबल हूं इस चीज के लिए? एम आई? द लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ एन इंटेंशन, मेयर इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस नॉट फॉलोड बाय एन एक्ट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता, आई एम नॉट लाइबल फॉर इट। ठीक है, क्यों? बेसिकली ये सिर्फ एक आइडिया ही तो है, मेरी इंटेंशन ही तो है। क्या मैंने सच में मर्डर कर दिया अभी? नहीं, ये सिर्फ मेरा क्या था, ये सिर्फ मेरा एक थॉट है, ये मेरा एक आइडिया है, मैंने एक्चुअल में भी मर्डर नहीं किया है। ठीक है, सो द ऑब्वियस रीजन ऐसा क्यों है नॉट प्रोसिक्यूटिंग द एक्यूज्ड एट दिस स्टेज इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी माइंड ऑफ द पर्सन। मैं तो यहाँ पे, मेरे ऊपर केस हुआ, बी ने मेरे ऊपर केस किया, मैंने तो बोल दिया नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज जो मेरा आइडिया है इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मुझे कौन गिल्टी प्रूफ कर सकता है? कोई भी नहीं। मैंने कौन सा, कोई अभी तक कोई हार्म हुआ बी को? कोई हार्म नहीं हुआ, मैंने तो अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया था, ये जस्ट मेरा एक आइडिया है। तो सिर्फ एक आइडिया होना, ठीक है, मैं उसके लिए लायबल नहीं हूं। सो फर्स्ट स्टेज, अगर इंटेंशन किसी की होती है, दैट पर्सन इज नॉट लायबल। ठीक है, आई होप फर्स्ट स्टेज इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन का हमें सबको पता है क्या होता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टास्क। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल अगर हम लें, उसमें क्या है कि मुझे मर्डर करना है। मर्डर की प्रिपरेशन कैसे होगी कि मैं क्या करती हूं, आई गो टू द मार्केट एंड लेट्स से बाय सम टाइप ऑफ ड्रग्स। मैं कोई ड्रग्स बाय करती हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूं, मैं ड्रग्स खरीद रही हूं बी का मर्डर करने के लिए। ठीक है, ये है प्रिपरेशन। मैं प्रिपेयर कर रही हूं कि मुझे ड्रग्स देने हैं बी को, तो मैं ड्रग्स लेने जा रही हूं, मैं प्रिपेयर कर रही हूं किसके लिए, मर्डर के लिए। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज और इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। क्या है, सेकेंड स्टेज है। इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी मेजर्स फॉर द कमीशन ऑफ इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। नेसेसरी मेजर्स, यहाँ पे हमारा नेसेसरी मेजर क्या था कि मुझे मार्केट से ड्रग्स बाय करने हैं, मुझे मार्केट से ड्रग्स बाय करने हैं। इंटेंशन अलोन और द इंटेंशन फॉलोड बाय अ प्रिपरेशन इज नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। मैंने ना ड्रग्स खरीद लिए हैं, मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ, मैंने ड्रग्स खरीद लिए हैं। ड्रग्स में ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो नींद की दवाई होती है ना, वो भी अगर आप ज्यादा ले लो ना, तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। ठीक है, मैं मार्केट गई, मैं क्या लेके आई, मैं नींद की दवाई ले आई। ठीक है, मैं नींद की दवाई ले आई, दैट इज माई ड्रग, मैं नींद की दवाई ले आई। अब मेरे ऊपर क्या, ये खरीदने के लिए क्या मैं लायबल हूं? एम आई लायबल फॉर इट? नो, आई एम नॉट इन दिस केस। मेरे ऊपर, मेरे पास कोई भी आता है, मेरे ऊपर कोई भी केस करता है, मैं बोल दूंगी मेरी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने लिख के दी है और मुझे हर रोज रात को नींद की दवाई लेनी होती है, मैंने तो ये मर्डर करने के लिए ली नहीं है। सी ने फिर से पुलिस को जाके बता दिया कि ए ना ड्रग्स खरीद लाई है और अब वो सी बी को देने वाली है। मेरे पास पुलिस आएगी, मेरे पास बी आएगा, सी आएगा या बी आएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी मेरे, आई हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, मेरे को एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड विद दिस मेडिसिन, सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इज नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट लायबल, मैं मर्डर नहीं प्लान कर रही हूँ।
सो मेरे ऊपर तब भी केस नहीं हो सकता, आई एम नॉट लाइबल. सो इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो आई एम नॉट लाइबल. ठीक है, प्रिपरेशन हैज नॉट बीन मेड पनिशेबल बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव दैट प्रिपरेशन इन द क्वेश्चन वर मेड फॉर द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम. यही बात हमने करी कि मैंने पर्टिकुलर क्राइम के लिए, मर्डर के लिए नहीं करी दी थी, आई बॉट इट बिकॉज द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मी. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर. नाउ जनरली प्रिपरेशन टू कमिट एनी ऑफेंस इज नॉट पनिशिएबल, ये हमने पढ़ लिया, इट इज नॉट पनिशिएबल. बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस प्रिपरेशन इज पनिशिएबल. फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रिपरेशन करना भी पनिशिएबल है. इन जनरल केसेस इट इज नॉट पनिशिएबल, आई एम नॉट लाइबल. बट इन सम केसेस आई एम. व्हाट आर दैट केसेस? प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने वाली हूं तो आई एम लाइबल. मैं प्रिपेयर कर रही हूं गवर्नमेंट के लिए कुछ करने के लिए उसके अगेंस्ट. प्रिपरेशन टू कमिट डाइकोटी, ठीक है, डाइकोटी के केस में भी. प्रिपरेशन फॉर काउंटरफेयरिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, काउंटरफाइटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स, वो उसकी भी, ठीक है, मैं उसका यूज कर रही हूं या उसकी कलेक्शन है, उसको वो हार्म करने के लिए वो कर रही हूं. ठीक है, possessing counterfeit coins, false weight or measurement and forged documents, it is also mere possession of these is a crime and no possessor can plead that he is still at the stage of preparation. कोई भी ऐसे प्ली नहीं कर सकता कि ये तो सिर्फ प्रिपरेशन केस था, अभी तक तो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था. बट नहीं, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है, वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, डकैती हो रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट स्टैम्प्स है, या काउंटरफेटिंग ऑफ काउंटरफेट कॉइन्स है, फॉल्स वेट है, ऐसा कुछ भी है उसके अगेंस्ट, प्रिपरेशन के लिए भी मैं लाइबल हूं, उस केस में कोई भी प्ली नहीं मिलेगी. आई एम लाइबल फॉर दैट. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हमें समझ में आ गया फर्स्ट स्टेप भी, सेकेंड स्टेप भी. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज, दैट इज अटेम्प्ट. ठीक है, अटेम्प्ट क्या है? नाउ मैं तैयार हूं, ठीक है, मेरे पास आइडिया है, इंटेंशन है, मेरे पास ड्रग्स हैं, आई एम प्रिपेयर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू मर्डर बी, मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूं, अब मैं जा रही हूं उसका मर्डर करने. सो द थर्ड स्टेप इज अटेम्प्ट. अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन इज मेड. ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू कमिट द क्राइम. अब मैं जा रही हूं उसकी तरफ, मैं उसे घर जा रही हूं कि मैं ऐसे ड्रग्स हैं, मैं उसको एक खिलाऊंगी, उसको थोड़ी सी नींद आएगी, फिर उसको नींद में मैं बाकी सारी दवाइयां भी खिला दूंगी. ठीक है, अब मैं वो अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हूं. आई एम गोइंग नाउ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ अ पर्सन मे बी गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इफ ही डज एन एक्ट विच इज मोर देन मेयरली प्रेपरेटरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस एंड अ पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस इवन दो द फैक्ट्स आर सच दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज इम्पॉसिबल. सो नाउ हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. ठीक है, ए है, ए इज गोइंग टू बीज हाउस, बी के घर पे पहुंच गई हूं. ठीक है, एक मेडिसिन दे दी है, मेडिसिन दे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक मेडिसिन दे गई है, दे दी है. ठीक है, उसको थोड़ा सा, बी को थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी लग रहा है. अब मैं उसको बाकी की ना पूरा जो इतने पत्ते में ना, लेट्स से 19 मेडिसिन और है, वो मैं उसको देने वाली हूँ. ठीक है, 19 मोर मैं उसको देने वाली हूँ. एक मेडिसिन दे दी, ठीक है, शी इज काइंड ऑफ स्लीपी, बहुत तंग कर रही थी थोड़ा. अब है क्या, एक स्लीप, एक दे दी है, थोड़ा स्लीपी है, मुझे चैन मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन, मुझे सुकून मिल रहा है. अब मैं उसको बहुत जल्दी 19 देने वाली हूँ, उससे क्या हो जाएगा, वी विल डाई. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, अब
अ पर्सन मे बी गिल्टी, मैं गिल्टी हूं, मैं लाइबल हूं. अब यहां पे नॉट लाइबल बट इन एक्सेप्शंस आई एम लाइबल. एक्सेप्शंस में आई एम लाइबल, यहां पे आई एम लाइबल. If he does an act which is more than merely preparatory to the commission of the offence, अब वो preparation stage नहीं है, अब मैं उससे ऊपर आ चुकी हूँ, अब मैं attempt कर रही हूँ, मैं पूरा prepare हो चुकी हूँ, now is the time, ठीक है, मैं preparation से ऊपर आ चुकी हूँ, and a person will be guilty of attempting to commit an offence, ठीक है, guilty है वो, उसकी वो intention थी कि उसको उससे मारना है, उसका मर्डर करना है. मेरी इंटेंशन, एक ही इंटेंशन थी कि मुझे बी को मारना है. आई एम गिल्टी फॉर दैट इवन दो द फैक्ट्स आर सच दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज इम्पॉसिबल. मेरी इंटेंशन है, आई एम गिल्टी, मैं प्रिपरेशन से ऊपर आ चुकी हूं कि अब मुझे इसका मर्डर करना है, तो दैट इज अटेम्प्ट. ऑलराइट, देयर आर थ्री एसेंशियल्स ऑफ एन अटेम्प्ट. अटेम्प्ट के तीन एसेंशियल्स हैं, वो क्या हैं? गिल्टी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, मैं गिल्टी इंटेंशन थी, मेरी वही इंटेंशन थी मर्डर करने की. ऐसा नहीं था कि मैंने गलती से बाय चांस, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने उसको वो मेडिसिन खिला दी है, मैंने जानबूझकर खिलाई है, मेरी गिल्टी इंटेंशन थी. सेकेंड इज सम एक्ट डन टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मैं एक्ट कर चुकी हूँ, मैं एक मेडिसिन दे चुकी हूं और अब मैं बस 19 भी देने वाली हूं, या मैंने वो 19 मेडिसिन जो रिमेनिंग है वो भी दे दी हैं. माय अटेम्प्ट, आई हैव डन सम एक्ट, ठीक है, वो एक्शन इन प्ले आ चुका है. थर्ड इज द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस. अटेम्प्ट में क्या है, एक दे दी है, ठीक है, बट जो 19 रिमेनिंग है अभी नहीं दी है. क्यों? क्योंकि जो बी था वो अभी सोया ही नहीं, ठीक है, स्लीपी स्लीपी था, ठीक है, बट नॉट इन डीप स्लीप. जब तक वो डीप स्लीप में नहीं जाएगा तब तक मैं उसको 19 कैसे दे दूंगी. थोड़ा स्लीपी है, थोड़ा कॉन्शियस में है, तो उसको पता होगा ना कि मुझे 19 और दे रही है, तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है. तो फॉल शॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड ऑफेंस, उसका मर्डर नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ, इट इज वॉज, इट वॉज जस्ट एन अटेम्प्ट. आपने बहुत केसेस सुने होंगे अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये सुना, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, मेरा सुसाइड नहीं हो पाया, मैंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, मैंने कोशिश करी, आई ट्राइड टू सुसाइड बट आई डिड नॉट. सो दैट इज अटेम्प्ट, कि मैंने एक गोली दे दी, मैंने एक मेडिसिन दे दी है, 19 अभी नहीं दी है, ठीक है, क्यों, क्यों, बी स्लीप ही था बट इन डीप स्लीप नहीं गया है, उसको अटेम्प्ट माना गया है, कि मैंने शुरू तो कर दिया था ना, ठीक है, एक्शन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, एंड आई एम लाइबल फॉर दैट, फॉर अटेम्प्टिंग ऑल्सो आई एम लाइबल. चाहे उसकी डेथ नहीं हुई है, मर्डर नहीं हुआ, बी नहीं मरा, पर मैंने अटेम्प्ट तो किया ना, मैंने एक एक्शन तो स्टार्ट कर दिया ना, तो आई एम लाइबल फॉर दैट, ठीक है. अब है लास्ट स्टेज, दैट इज अकम्प्लिशमेंट. अकम्प्लिशमेंट में क्या है, अब द लास्ट स्टेज इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट्स अकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन. एक मेडिसिन दे दी थी, बी इज इन डीप स्लीप नाउ, नाउ इज द टाइम टू गिव 19 मेडिसिन, आई हैव गिवन हिम एंड बी dies of drugs. और ये ड्रग्स किसने दिए थे, ए ने दिए थे, तो ए ने बेसिकली क्या किया, ए ने बेसिकली बी का मर्डर कर दिया, मर्डर हो चुका है, बी इज नो मोर, कंप्लीशन हो गया, खत्म, दैट इज अकम्प्लिशमेंट, ठीक है. इफ द एक्यूज सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट, सक्सीड हो गया टू कमिट द क्राइम, he will be guilty of complete offense, and if his attempt is unsuccessful, he will be guilty for an attempt only. Successful हुआ, B dies, तो मेरे पे murder का ही accomplishment का ही case होगा, ठीक है, उस पे offense होगा, पर अगर मैंने एक दी थी, ठीक है, और 19 अभी देनी थी,
ठीक है, तो मेरे पे किस चीज का केस होगा? अटेम्प्ट का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक दे दी थी, वो डीप स्लीप में गया, मैंने 19 और दे दी, ठीक है, पर फिर भी बी की डेथ नहीं हुई, बी डिड नॉट डाई। 20 मेडिसिन खाने के बाद भी बी डिड नॉट डाई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो मेरे पे किस चीज का केस होगा? अटेम्प्ट का होगा, कि मैंने अटेम्प्ट किया था, बस वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जो मेरा टारगेट था कि उसका मर्डर करना, वो नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, पर मैंने अटेम्प्ट जरूर किया था, तो दैट इज अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट के लिए तो मैं लायबल हो ही हूं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, अगर कंप्लीट हो गया तो आई एम लायबल। तो ये है हमारे स्टेजेस ऑफ अ क्राइम, दैट इज इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। आई होप आपको ये विद एग्जाम्पल चारों स्टेजेस समझ में आ गई। All right, so with this we come to an end of our first topic, that is introduction to criminal law and introduction to Indian penal code. ठीक है, अब आपका टास्क क्या है? ADRF app और वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको लीगल रीजनिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके नोट्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्रिमिनल लॉ के आपको क्या देखने हैं? यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू चेक ऑल द टेस्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, यू कैन ऑल्सो अनलॉक ऑल द लॉक्ड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट एट लेस दैन ₹80 पर मंथ। Alright, so go, वहां जाओ, हमने आज जो भी पढ़ा है उसके डिटेल्ड नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे, यू कैन गेट अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दैट, ठीक है, एंड देन यू कैन टेक द टेस्ट देयर, एंड विद दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।